बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, नौमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। तो जिस तरीके से पाकिस्तान मेन की टीम जो है वो लीड करते हुए पहले दो मैच हारने के बावजूद मुसम्मम इरादे के साथ आगे बढ़ रही है सेमीफाइनल की तरफ T20 वर्ल्ड कप में, इसी तरीके से हमारी वुमेन भी किसी से कम नहीं है। और देखा जाए आयरलैंड के साथ ने पहले वनडे में जो स्कोर बनाया तो उसमें सारा का सारा क्रेडिट जो जाता है जनाब ओपनिंग बैट्समैन मोलिबा और सिद्रा, जो सिद्रा की बात की जाए उसने 176 नॉट आउट स्कोर किया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ऐसा बैट्समैन हमें मैन में भी मिल गया रिजवान की शक्ल में। तो अगर वो मैन में देखा जाए तो सिद्रा जो है वो हमें इतनी ज़बरदस्त बैट्समैन मिली है कि अपनी मिसाल आप बन गई। 176 रन 151 गेंदों के ऊपर वनडे में और नॉट आउट जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है जनाब। तो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम इसने पहले बैटिंग की और 355 पहाड़ जैसा स्कोर आयरलैंड के सामने खड़ा कर दिया। तो जब आयरलैंड की टीम आई तो जनाब वो रेत की दीवार साबित हुई, क्योंकि उसमें निदाडार की बॉलिंग के आगे स्पिन और गुगली रेत की दीवार साबित हुई जनाब। 3 विकेट्स उन्होंने उड़ा के रख दिए और उसी तरह देखा जाए तो तमाशाइयों ने भी खूब एंजॉय किया। और ये है जनाब सिद्रा और ये तमाशाई एंजॉय करते हुए। तो पाकिस्तान वुमेन ये जो जोड़ी है ये अपनी मिसाल आप बन चुकी है जनाब। जिस तरीके से मैन में अगर देखा जाए तो रिजवान और बाबर की जोड़ी जो है वो एक नाकाबले बर्दाश्त हो चुकी है मुखालिफ टीमों के लिए। इसी तरीके से सिद्रा और मोनिबा की जो जोड़ी है वो मैन में वो भी नाकाबले बर्दाश्त हो चुकी है। तो अगर ये इसी तरीके से चलते रहे 300+ का स्कोर बनाना 176-151 गेंदों के ऊपर सिद्रा का बहुत बड़ा कारनामा। ये है जनाब निदाडार, तो इसने भी अपना रोल प्ले किया और 3 विकेट उड़ा के रख दिए, क्या बात है जी। ये तमाशाई एंजॉय करते हुए और जैसे ही रेत की दीवार साबित हुए जनाब 50 ओवर में 206 के ऊपर ही ऑल आउट हो जाना, ये एक सारा का सारा क्रेडिट जो है वो निदाडार को जाता है, क्योंकि उसने जो पाए की विकेट दरमियान से जो उड़ा करके रख दी थी। वेल डन वुमेन क्रिकेट टीम, वेल डन।